जनाबाई जी का चरित्र बहुत सुंदर है। महाराष्ट्र के किसी भी भक्त का आप चरित्र सुनो, अद्भुत है, एक अलग विलक्षण सुख मिलता है उसमें। और जब से मैं गोपालपुर होके आया, फिर लोगों से मिलके, मैं तब से जनाबाई जी का ही भाव सुन रहा था। अभी तक भी, यहां आने से पहले तक भी श्री जनाबाई जी का ही चरित्र पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते बार बार स्मरण कर रहा था उन उन स्थानों का, जो जो हम देख करके आए, गोपालपुर में, फिर सामने चंद्रभागा जी के तट पर ठाकुर जी के और भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्री श्रीमन नारायण के चरण चिन्ह, चरण पादुका के दर्शन, तो जनाबाई जी का स्मरण हो रहा था बार बार। बहुत पावन चरित्र है श्री जनाबाई जी का। जनाबाई जी कैसे आई ठाकुर जी की शरण में? छोटी सी थी जनाबाई, अपने माता पिता के साथ आषाढ़ी एकादशी के दिन आई यहां पर, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और पहले से ही सोच करके आई थी कि मुझे वापस घर नहीं आना है। तो पंढरपुर में जब आई तो यहां पर वारी वारी आती है, वारी जो वारी को क्या बोलेंगे हिंदी में, लोगों के टोले आते हैं भर भर के, और महाराज कीर्तन करते हुए वारी वारियां आई हुई थी, सब नाच रहे हैं गा रहे हैं, विठल विठल विठला माजा पांडुरंग विठला जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपुर में आते ही नेत्र सजल हो गए जनाबाई, छोटी सी हैं अभी, 7-8 वर्ष की आयु है। मैंने एक दिन कथा में एक बात कही थी, भक्ति दो लोगों के भीतर प्रकट होती है, या तो उसके जो पूर्व जन्म से करता आया था कुछ शेष भाव रह गए थे, तो इस जन्म में जन्म से ही उसके अंदर भक्ति आ जाती है, 7-8-6 वर्ष की आयु में ही उसके अंदर भक्ति भाव फूटने लग जाते हैं, या तो उस व्यक्ति के अंदर भक्ति आती है जिसके अंदर पूर्व जन्म से भक्ति भाव हो, या फिर उसके अंदर भक्ति आती है जो घोर नास्तिक हो। दो ही लोग ही भक्ति भाव में प्रवृत्त होते हैं। जनाबाई आई और यहां भीड़ में अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके घूम रही थी, और वारी में जब आगे पीछे लोगों के धक्का मुक्की हुई तो माता पिता का हाथ छूटा नहीं, छोड़ दिया जानबूझ करके, खो गई बड़ी भीड़ में। बालक तो खो करके रोते हैं, जनाबाई नाच रही थी कि हाँ अब अच्छा हुआ, अब मैं अकेली हूं, अब मैं यहीं खो जाऊंगी, माता पिता को मिलूंगी नहीं, और सदा के लिए अपने विठोबा के पास रहूंगी, अपने विठल के पास रहूंगी। माता पिता ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जनाबाई मिली नहीं। जनाबाई प्रसन्न है क्योंकि उनका परिवार तो श्री पंढरपुरी है ना। एकनाथ जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे चातेरे। अब देखो, मराठी मुझे भी नहीं समझ आती और बहुत लोगों को भी नहीं समझ आती, पर हम जिनके यहां बैठ के खा रहे हैं, जिनका खा रहे हैं, उनको प्रणाम तो करेंगे ना। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं अर्थ बताता हुआ बोलूंगा, माझे माहिर पंढरी, माहिर मतलब मेरा तो मायका पंढरपुर है, आहे भीवरी चातरी, कौन सा पंढरपुर? बोले जो भीमा नदी के तट पर विराजमान है वो पंढरपुर मेरा मायका है। और बाप आई आई, बाप आई आई, माझे विठले रखुमाई, माझे विठले रखुमाई, माझे विठले रखुमाई। मेरे पिता माता कौन है? बाप आई, बोले विठले रखुमाई। अच्छा, यहां पे उल्टा है, यहां पे पिताजी रुक्मणी जी हैं, मैया विठल भगवान है। पंढरपुर में उल्टा है,
माउली कौन है? बोले माउली हमारी मैया कौन है? हमारा ध्यान रखने वाली, भूख लगने पे खिलाने वाली, नींद आने पे सुलाने वाली, हमारा ध्यान रखने कौन है मैया हमारी? बोले विट्ठल नाथ हमारी माउली है। वैसे अर्थ तो यही है कि पिताजी विट्ठल भगवान रुक्मणी मैया, लेकिन हम ब्रजवासी ना अपनी बात तो जोड़ेंगे, रुक्मणी जी पिताजी का रोल निभाती है यहां पर, मैया का रोल तो श्री पंडरीनाथ भगवान निभाते। बाप आई आई माझे विठले रखुमाई, माझे विठले रखुमाई, माहे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे भीवरे चाते रे, माझ बहिण चंद्रभागा, माझ बहिण चंद्रभागा। जो गाएगा उसकी बात सिद्ध होगी। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे माता पिता विठल रखुमाई है तो मेरी बात सिद्ध हो रही है, आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो तो आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। गाओ मेरे पीछे, माझ बहिण चंद्र भागा, माझे बहिण चंद्र भागा, करत से पाप भंग, करत से पाप भंग, माझे बहिण चंद्र भागा, माझे बहिण चंद्र। हमारी बहन कौन है? माता पिता तो विठल रखुमाई है और बहन हमारी कौन है? श्री चंद्रभागा, ये हमारी बहन है। इस बार पंढरपुर में संबंध बना जाओ ताकि बार बार विठल भगवान बुलाते रहें, बिना संबंध बनाए चलेगा। सुनो एक बात हमारी, ये भक्ति भाव के संबंध दुनिया में बनाओ, पर ये पारिवारिक संबंध तो पंढरपुर में बना के जाओ। ठाकुर जी से कह देना मैया हम जा रहे हैं अपने अपने काम पे जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, बढ़िया अपना व्यापार बड़ा करने जा रहे हैं, और जब पैसा बहुत कमा लेता है बेटा तो माँ खुश होती है ना, हे पंडरीनाथ आप खुश हो जाना, और आप अपनी खुशी कैसे बताना, हमको पंढरपुर बुला के बता देना कि आप बहुत खुश हो। यही भाव चल रहा है जनाबाई के चित्त में। माता पिता बिछुड़ गए, मेला में छूट गए पीछे, लेकिन जना भाई इस बात से दुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे माता पिता तो विठल रखुमाई है, मेरी बहन तो चंद्रभागा है, ये सब संत महापुरुष जो उछल उछल करके राम कृष्ण हरि कीर्तन कर रहे हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरा परिवार है, मैं अभी इन्हीं के बीच में रहूंगी। जना भाई बताओ, बिछुड़ने पर प्रसन्न हो रही है, खो गई है मेले में, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हैं, लेकिन एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन बीत गए, बहुत भीड़ होने के कारण जनाबाई को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर में प्रवेश करती है लेकिन सुबह से रात हो जाती है, खड़े खड़े मंदिर में जा ही नहीं पा रही जनाबाई। तब चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठी हैं और जाकर के अपने हृदय पर हाथ रख के कह रही हैं, अरे मेरे बिट्ठो वाह, अरे मेरे बिट्ठू राय, कब मिलोगे, तुम्हारे लिए सब छोड़ करके आ गई मैं। मीराबाई का भाव है ना, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया जग सोए, साधुवन संग बैठ बैठ, साधुवन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, सब छोड़ दिया मैंने विठोबा आपके लिए, और आप हो भीतर बैठे हो बस ऐसे कमर पर हाथ धर के, मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हो। बंधुओं, धाम की कृपा का अनुभव करना हो ना तो धाम में विराजमान जो छोटे छोटे तीर्थ हैं, जैसे अब पंढरपुर का मुख्य तीर्थ क्या है? पंडरीनाथ भगवान का मंदिर, लेकिन वहां तो सबकी भीड़ लगी है,
सबको दर्शन हो जाए सुलभ नहीं। तो जब तक पंडरीनाथ भगवान दर्शन नहीं दे रहे, ये आसपास छोटे छोटे तीर्थ जो है यहां जा जा करके दर्शन करो, चंद्रभागा जी से प्रणाम करो, गोपालपुर में जाकर के प्रणाम करो, और बाहर पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के सामने नीचे चंद्रभागा जी के तट पर पुंडलीक का स्थान है, वहां प्रणाम करो, ये विष्णुपदी जाकर के प्रणाम करो, पंडरपुर की 2-2.5 किलोमीटर की परिक्रमा, वो परिक्रमा कर प्रदक्षिणा करके प्रणाम करो, ये छोटे तीर्थों से प्रणाम करके कहो कि आप पंडरीनाथ जी को कहो ना कि हमको दर्शन दें। मूल और वास्तविक दर्शन की विधा तो यही है। ये छोटे तीर्थ इसीलिए बनाए कि भाई इनको रिझाओ तो ये अप्रोच लगाएंगे ऊपर की, भाई इसको दर्शन दो तब आपको दर्शन होगा ठाकुर जी का। अब हम तो ज्यादा ही बड़े लोग बन गए ना, वीवीआईपी घुस जाते हैं भीतर, लेकिन मूल उद्देश्य मूल तरीका तो यही होना चाहिए, छोटे छोटे तीर्थों में जाकर के वंदन करो, उनकी कृपा से ठाकुर जी का दर्शन हो। हमारे वृंदावन में श्री यमुना जी से प्रार्थना करो, ब्रजवासियों से प्रार्थना करो, रज से प्रार्थना करो, तब बिहारी जी का दर्शन होगा। तो जना भाई बैठी हैं और चंद्रभागा जी के तट पर बैठी बैठी रुदन कर रही हैं कि हे विठोबा कब मिलोगे, हे विठुराय कब मिलोगे। तभी उनके रुदन के स्वर को एक महापुरुष ने सुना, बहुत ध्यान से सुनो। और वो महापुरुष कौन है, श्री नामदेव जी के पिताजी। उन्होंने जब सुना तो कहा, लाली हम तुझे दर्शन कराएंगे, जब तक चल हमारे घर ही चल, वहां रह के कुछ खान पान करना, भोजन इत्यादि कर लेना, अच्छा सुख मिलेगा। जना भाई उनके साथ चली गई घर, वहां पर नामदेव जी महाराज और बड़े बड़े कीर्तनकार कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन में बढ़िया मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बालक सब वारकरी बालक जैसे कीर्तन करते हैं। अब ये सोचो कि नामदेव जी महाराज आदि के समय पर कीर्तन जो होता था उसकी एक बिंदु है ये, वो कीर्तन कैसा रहता होगा। एक जगह वर्णन आता है प्रसंग में, एक बार नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था तो कीर्तन की ध्वनि पंडरीनाथ भगवान को सुनाई देने लगी। तो पंडरीनाथ भगवान रुक्मणी जी से बोले, बोले सुनो मेरा मन नहीं लग रहा अब यहां पर। रुक्मणी जी बोली क्या करना है, बोले मैं जा रहा हूं कीर्तन में। बोले इतने लोग जो दर्शन के लिए आ रहे हैं ये, बोले अब इनको आप संभाल लो, लेकिन मुझे बहुत जोर से मन कर रहा है कीर्तन में जाने का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं नामदेव जी के कीर्तन में। रुक्मणी जी बोली आप जाइए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, उसके लिए मना नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए, नामदेव जी नेत्र बंद करके गा रहे होंगे, वैष्णव उछल उछल करके नृत्य कर रहे होंगे, आप जैसे ही जाओगे पूरी जनता आपके पीछे पड़ जाएगी, कीर्तन में भंग हो जाएगा, आप जाकर के वहां कीर्तन में विक्षेप डाल दोगे। तो एक बार पंडरीनाथ जी रुक गए, बोले अच्छा हाँ सही कह रहे हो, फिर तो नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही नामदेव जी के ऊंचे ऊंचे स्वर सुनाई दें, विठल भगवान खड़े खड़े कह मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, अब जो होगा देख लूंगा, मैं कोने में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन मुझको जाने दो। रुक्मणी जी बोली जाओ, सोचो विचार करो, भक्तों के स्वर के लिए ठाकुर जी त्रिलोकीनाथ उतावले हो रहे हैं। ठाकुर जी तुरंत कमर पर हाथ धरे ऐसे ही दौड़े। अच्छा कभी कभी एक मन में भाव आ रहा था कि श्री पंडरीनाथ भगवान सारे काम ऐसे ही करते हैं क्या, यहां पर दौड़ते भी ऐसे ही होंगे, सोते भी ऐसे ही होंगे, बैठते भी ऐसे ही होंगे, खाते तो होंगे ही नहीं, दूसरों से कि तुम खिलाओ, हमारे तो हाथ यूं हैं। पंडरीनाथ भगवान पीताम्बरी पहने, गले में सुंदर माला है और ये मुकुट धारण किए, मत्साकृत मछली के आकार के कुंडल, और दौड़ रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन की ओर। असंख्य भीड़ लगी है। ठाकुर जी ने सोचा कहीं विघ्न ना आ जाए तो बाहर खड़े हो गए, और जहां से केवल नामदेव जी की झलक दिख रही है, कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, वहीं से ठाकुर जी देख रहे हैं और देख करके वहीं झूम रहे हैं, इतना आनंद ठाकुर जी को आ रहा है। लेकिन झूमते 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 ठाकुर जी को सुध बुध नहीं रही, और ठाकुर जी तो कोने से भीड़ में आ गए। अब जैसे ही ठाकुर जी आए, लोगों को कस्तूरी की सुगंधि आने लगी, बढ़िया, पीछे मुड़ मुड़ करके देखें साक्षात पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं।
अब तो महाराज नाचना गाना सब भूल गए, सब मार्ग देने लगे और ठाकुर जी नाचते नाचते भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नाचते नाचते ये स्थिति हो गई, इतनी भीड़, कोई पांव छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है। स्पर्श करते करते ठाकुर जी की पीताम्बरी खींच ली किसी ने और ठाकुर जी के वस्त्र उतरने लगे, लेकिन ठाकुर जी नृत्य नहीं छोड़ रहे, उछल उछल करके नाच रहे हैं। स्थिति ये हुई, आज हरि देखे नंगम नंगा, ठाकुर जी के सबरे वस्त्र खींच खींच के ले गए और ठाकुर जी निर्वस्त्र अवस्था में नृत्य कर रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन। नामदेव जी के जब नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो गए, जय हो। कभी कभी संशय होता है, नाथ हम आपके भक्त हैं कि आप हमारे भक्त हो? अरे इतना उतावलापन, इतनी उत्सुकता तो किसी भक्त में नहीं होती, वो अपने वस्त्र का भान तो रखता है, आप तो कीर्तन में वस्त्रों का भी भान नहीं रखते नाथ। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ, पर बड़े दयालु ठाकुर जी। तो जनाबाई जैसे ही पहुंची नामदेव जी के घर, वहां नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, वैष्णव नाच रहे हैं, मृदंग लेकर के करताल बजा रहे हैं, तभी जनाबाई को क्या दिखा कि श्वेत श्वेत वस्त्र, श्वेत श्वेत टोपी पहने सब वारकरी और इनके बीच में एक पीतांबरी पहने और गोल 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 कोई घूम रहा है। जनाबाई चार दिन से तो दर्शन हुए नहीं थे ठाकुर जी के, गौर से देखा तो महाराज आहा, सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी, सुंदर ते ध्यान। श्री तुकाराम जी कहते हैं जिनका ध्यान इतना सुंदर है विठल पर, जो वीट के ऊपर खड़े हैं, आहा। जैसे ही दर्शन किया जनाबाई के तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, आहा साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने हैं नामदेव जी के कीर्तन में। जनाबाई तो वहीं बैठ गई। अब तो तुकाराम जी के नामदेव जी के पिताजी ने सबको बोला ये लाली यहीं रहेगी हमारे घर पर और यहीं इसका खान पान, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये जैसे चाहे वैसे रह सकती है। जनाबाई छोटी सी हैं, पूरे दिन केवल उनको एक ही प्रतीक्षा रहती थी, कब कीर्तन हो, कब विठल आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी। और किसी को दर्शन नहीं होते, जनाबाई को होते थे। नामदेव जी कीर्तन करते और जैसे ही विठल आते, नामदेव जी उछल, जनाबाई उछलने लग जाती, विठोवा आ गए, विठोवा आ गए, सब जनाबाई को देखते, छोटी बालिका है ऐसा सोच करके अनसुना कर देते, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष दिखते थे ठाकुर जी। सब लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, जनाबाई को कहते थे तुम चलो साथ में, जनाबाई कहती मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले शाम को कीर्तन होता है ना, विठल यहीं आते हैं, मैं यहीं देख लेती हूं उनको। ऐसे करते करते जनाबाई का प्रेम और एक जैसे मित्रता संबंध हो गया श्री ठाकुर जी के साथ में। पूरे दिन सेवा करती और सेवा करने के बाद शाम को बैठ कर के ठाकुर जी का चिंतन करती, ठाकुर जी के लिए प्रसाद क्या बनाना है, क्या सिद्ध करना है, सब विचार करती जनाबाई। ठाकुर जी इतने भाव से बुलाती ठाकुर जी को, ठाकुर जी आते थे उनके पास। एक दिन की बात, नामदेव जी ने ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि ठाकुर जी और दिन से ज्यादा अधिक नृत्य किए उस दिन, इतना नृत्य किया कि जनाबाई जैसे ही कीर्तन पूर्ण हुआ जनाबाई रोने लगी। कोने में बैठे बैठे रो रही थी, सब लोग सोचने लगे क्या हो गया, पता नहीं छोटी सी बालिका रो रही है। नामदेव जी के पिताजी ने जाकर के कहा, बोले हे जनाबाई तुम रो क्यों रही हो? जनाबाई कहती है आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ। बोले सुंदर कीर्तन में रोया जाता है? बोले नहीं मैं इसलिए नहीं रो रही, आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ
कि पंडरीनाथ आए, विठोबा आए और इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया, मुझे तो मन में पीड़ा हो रही है। वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, इतना नृत्य करके गए, कहीं उनके पांव दर्द तो नहीं कर रहे होंगे, कोई उनके पांव दबा रहा होगा कि नहीं, मुझे तो उस बात की बड़ी पीड़ा होती है। आप नामदेव जी से कह देना वो इतना ज्यादा अच्छा कीर्तन ना किया करें, सामान्य कीर्तन किया करें। वो अच्छा कीर्तन करते हैं तो श्री ठाकुर जी उसमें बहुत नाचते हैं, उनको कहीं पीड़ा ना होती हो चरणों में। बंधुओं, ये सब भाव, ठाकुर जी आपके जब से प्रसन्न होते हैं तब से प्रसन्न होते हैं, नियमों से प्रसन्न होते हैं, आपकी विचारधारा भावनाओं सबसे प्रसन्न होते हैं। पर जब ऐसी भावनात्मक बुद्धि आपकी हो जाती है, आप छोटे छोटे भावों में भी चिंतन करने लगते हो, तब ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। हमारे गोवर्धन के श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, अभी की बात 20-25 वर्ष पहले गिरिराज जी में झाड़ू लगाते थे। कोई कहता तो बाबा तुम पूरी गिरिराज जी में झाड़ू काय को लगाओ, तो बाबा ब्रज भाषा में बड़े भाव से बोलते, कहां बताऊं जे नंद जी को लाला माने नाए, नंगे पाम डोले पूरे ब्रजमंडल में, और नंगे पाम डोल तो गिरिराज जी पे आतो होएगो तो यहाँ पे ये कंकड़ पत्थर और ये कांटे बाकी पामन में लग जाते होंगे, फिर रोतो रोतो जातो होगो, यशोदा मैया को बताते होगो, या मारे मेरे मन में तो भाव आवे कि मैं झाड़ू लगाए कि सबरे कंकड़ पत्थर और सबरे कांटे इनको किनारे कर दूं, कहीं नंद जी को लाला आवे तो बाकी पामन में कहीं कोई कठोर वस्तु लग नहीं जाए। और ये बात कहते कहते रोने लग जाते थे, ऐसे भाव। बंधुओं, क्षमा करना, आपका नियम 1 घंटे से 4 घंटे में परिवर्तित हो गया, आपकी साधना 4 घंटे से 1 दिन में परिवर्तित हो गई, आपकी तीर्थ यात्रा हर साल की 4 बार की फिक्स हो गई, इससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। पर आप जब भी नेत्र बंद करते हो, आपके चिंतन में एक भाव, एक प्रेम प्रकट होता है, जैसे अपनों के लिए होता है वैसा प्रेम ठाकुर जी के लिए प्रकट होता है, तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। जना भाई मन में सोच रही है, मेरे पास विठोबा होते, मेरे पास विठल होते, घी लेकर के आती, चरणों में मालिश करती, अपने हाथ से चरण दबा देती, मेरे विठोबा बहुत कष्ट में आ गए होंगे आज तो। और यही बोलती जा रही है, यही बोलती जा रही है, अब सब तो वहां से उठ उठ करके सोने चले गए, लेकिन वो यही चिंतन कर रही है, आज विठल के पांव में दर्द हो रहा है, आज मेरे पंडरीनाथ के चरणों में दर्द हो रहा होगा। ये भाव मन में सोच ही रही थी कि इतने में ही पीताम्बरी पहने, कटी पर हाथ धरे, सुंदर सांवल वर्ण ठाकुर जी का श्री पंडरीनाथ भगवान वहीं प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के जना भाई के सामने बैठ करके पांव आगे पसार दिए, बोले रो क्यों रही हो, तो फिर दबाओ हमारे चरण, आपको अगर लग रहा है कि हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है तो दबाओ ना। आहा, जना भाई, छोटी सी जना भाई अपने हाथों से ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाती जा रही है और मुखमंडल के रूप को देखती जा रही है, कैसा स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। अब छोटी सी बालिका और क्या, कोई वेद मंत्र तो आते नहीं उनको, कोई शास्त्रों की बात तो आती नहीं, ठाकुर जी से पूछे, पैर दबाते दबाते जना भाई पूछ रही है, भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। तो क्या पाया? बता दिया, जो भी बनता है, अब मंदिर में जो भी बनता, मुझे तो पता नहीं क्या बनाते हैं मंदिर में, जो भी बनता ठाकुर जी बताए, बोले इसकी सब्जी बनी थी, जे चावल बने थे, रोटी बनी थी और पूरन पोली बनी थी, और यही बनती महाराष्ट्र में, और क्या बनता है, पूरन पोली है, और क्या बनता है। अब हमको कोई बना के खिला ही नहीं रहा तो हमको पता कैसे चले, हम तो अपने महाराज संग लेके आए बेचारे, वो रोज दाल चावल रोटी सब्जी बना देते, वो ही पाले रहे।
ठाकुर जी ने बताया, बोले पूरन पोली बनी, ये सब्जी बनी, चावल बने, ये सब पाया मैंने। जना भाई पैर दबाते दबाते, अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही पाया था। बोले जो आज पाया वही कल पाया? बोले हाँ यही पाया था। अच्छा तो परसों क्या पाया? ठाकुर जी बोले परसों भी यही पाया था। चार दिन पहले क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही बनता है, ये लोग मुझको यही देते हैं और कुछ नहीं देते, इनका फिक्स है, ये वही बनाते हैं वही खिलाते हैं मेरे को। इनका मंदिरों में नियम थोड़ी बदलता है, जो सब्जी है जो दाल है जो वही बनता है रोज वही खिलाते ठाकुर जी को। जना भाई बोली आप रोज रोज एक ही भाव खाते हो, मन नहीं भरता आपका? ठाकुर जी बोले भरता तो है पर ठीक है कोई बात नहीं, भाव से बनाते हैं तो पाता हूं। जना भाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं तो? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले अभी बना के लाऊं, आप बस बैठो मैं लेके आती हूं। जना भाई रात में ही गई महाराज, सुंदर रसोई सिद्ध करी, सुंदर नए नए पकवान बनाए, नई नई सामग्री बनाई और सामग्री बना के थाल में सजा। आधी रात सब सोए हैं पंढरपुर में, और वहां गोपालपुर के ऊपर के स्थान आज हम गए थे तो वहीं के चिंतन आ रहा है। वहां ठाकुर जी बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जना भाई ने लाके थाली सामने रख दी ठाकुर जी को, कहा पाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से, और बड़ा सिर हिला हिला करके चटकारे मार मार करके पा रहे हैं। बोले आहा आज तो नया नया भोजन मिला है, आ जना भाई तेने तो आज आनंद कर दिया, इतना सुंदर भोजन बनाया। बीच बीच में ठाकुर जी इतनी जल्दी खाते हैं कि अपने वस्त्रों पर गिरा देते हैं, तो जना भाई कहती है अरे आराम से खाओ, कहाँ जाना है? बोले तुमको क्या पता अभी 3:30 बजे मंगला आरती होनी है, मुझे पहुंचना है अभी वहां पर। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। बीच बीच में जना भाई का इच्छा होती है, मन होती है कि मैं खिला दूं एक ग्रास, लेकिन अभी भय लग रहा है मन में कि कहीं मैंने कहीं हाथ बढ़ा दिया तो कहीं ठाकुर जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया, बोले जना भाई कल फिर आऊंगा, बढ़िया बना के रखना कुछ अच्छा, फिर पाऊंगा कल, अभी जाता हूं हाँ मंगला की समय हो गई। ठाकुर जी दौड़े आए सीधे महाराज, घंटे घड़ियाल बजने लगे और मंगला आरती शुरू, 3:30-4 बजे से ही ठाकुर जी का अभिषेक होने लगा। एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन 5 दिन बीत गए, रोज ठाकुर जी रात में चले जाते हैं और प्रसाद पाके आते हैं। रुक्मणी जी आई एक दिन मंदिर में, और यहां बस शयन की तैयारी हो रही थी, रुक्मणी जी आकर के बोली, वो भी ऐसी खड़ी है ऐसी बोली होंगी, कहां जाते हो आप रात को, ये इतनी रात को कहां जाते हो आप, सही सही बताना। ठाकुर जी बोले गोपालपुर जाता हूं, वहां पर एक मेरी भक्त है जना भाई, ये मंदिर में तो रोज एक साई बना देते हैं, वहां पर बड़ा नया नया बनाती है, वो खाने में बहुत सुख मिलता है, वहां जाता हूं भोजन करने। रुक्मणी जी बोली अच्छा इतना अच्छा भोजन बनता है कि रोज जाते हो? बोले हाँ वो बड़े भाव से बनाती है। रुक्मणी जी बोली हमको भी ले चलो, हमको भी खिला लाओ। ठाकुर जी बोले लेके चलूंगा लेकिन खिलाऊंगा नहीं, खाऊंगा तो अकेला मैं, वो छोटी सी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, वो छोटे छोटे हाथ से थोड़ी सी दाल बनाती है, थोड़ी सी सब्जी बनाती है, एक ही पूरन पूली बना पाती बेचारी, और तुम चलोगी तुम्हारा भी पेट मेरा भी पेट, उसको बहुत श्रम हो जाएगा, उसको इतना नहीं बनवाना भोजन, चलो साथ में लेकिन दूर खड़ी रहना, देखती रहना और बीच में भी मत आना, वो सहजता उसकी खत्म हो जाएगी, वो तुमको देख के फिर बनावटी बात करेगी। रुक्मणी जी बोली ले चलो, कुछ खिलाना नहीं, नहीं आऊंगी बीच में, लेकिन ले तो चलो मैं भी तो देखूं ऐसा क्या, ऐसा उसका क्या भाग्य कि पंडरीनाथ रात में जाते हैं। रुक्मणी जी गई हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, जना भाई थाल लेकर के आई है, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ठाकुर जी पाते आज ही जना भाई के मन में आया, बोले आज तो मैं अपने हाथ से खिला के मानूंगी, रोज तो ये मैं डर के मारे नहीं खिला पाती।
ठाकुर जी जिम रहे थे बढ़िया प्रेम से और चटकारे अपनी उंगलियां चाट चाट करके, बढ़िया आ हा बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला कभी जैसा सौभाग्य जनाबाई को दे रहे हैं। बीच में जनाबाई के मन में भाव आया, आज तो मुझे खिलाना ही है, तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती बिठोबा ये तो पाओ। और ऐसे खाने में तल्लीन थे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने भी विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने भी मुख खोल दिया हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे ही अपना मुख अपने हस्त कमल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है, जनाबाई का हाथ वहीं रुक गया, ठाकुर जी का मुख वहीं रुक गया, दोनों के नेत्र सजल और दूर खड़ी रुक्मणी जी भी कह रहे हैं धन्य है जनाबाई, धन्य है इनका सौभाग्य, देखो ठाकुर जी साक्षात इनके हाथों से पा रहे हैं। ऐसा भाव रुक्मणी जी नतमस्तक हो गई, मन में विचार करने लगी कि मैं भी जनाबाई से मित्रता कर लूं, इनके बहाने मुझे भी ये सुख मिल जाया करेगा, जो सुख लक्ष्मी जी को भी नहीं है वो जनाबाई को दे रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी नित्य जाते हैं, रात भर जनाबाई के पास रहते हैं और कुछ नहीं करते, जनाबाई अपना काम करती रहती है, ठाकुर जी बैठे बैठे देखते रहते हैं। बंधुओं भक्ति जब अपनी स्थिति में आएगी, जैसे मैंने आज प्रारंभ में कहा ना एक माइलस्टोन, एक बात याद रखिएगा, आपका नाम जप, आपकी साधना, आपका कथा श्रवण, आपका नित्य भगवत स्मरण, उसमें एक बहुत विशेष माइलस्टोन जो आएगा वो ये कि एक दिन आप अपने भावों को शब्द में परिवर्तित करके गाने लग जाओगे। माफ कीजिएगा क्षमा कीजिएगा, लेकिन अभी भक्ति में गायन प्रारंभ नहीं हुआ, भक्ति में लिखना प्रारंभ नहीं हुआ, भक्ति में शब्दों में पिरो करके उन भावों को पदावली के रूप में करने का प्रारंभ नहीं हुआ, तो अभी आप उस माइलस्टोन पर पहुंच नहीं पाए हो। बात समझ रहे हैं ना मेरी, आपके भक्ति भाव शब्द में परिवर्तित होने लग जाएं, आपका मन हो मैं लिखूं, मैं गाऊं, मैं सुनाऊं, तब समझो कि हाँ अब एक सीमा पर आप पहुंच गए हो, ठाकुर जी के समीप बस पहुंचने ही वाले हो। हम एक बात कथा में कहते हैं, जिसने भी पाया गा करके ही पाया, बिना गाए किसी ने नहीं पाया। मीराबाई गाती हैं, सूरदास गाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास गाते हैं, सबने गाया है। आपका भजन आपकी साधना जब तक गायन में परिवर्तित ना हो, समझना अभी ठाकुर जी दूर हैं आपसे। प्रयास किया करो, उल्टा सीधा ही लिखा करो, लेकिन अपने भावों को पद में लिखने का, कल हम वृंदावन रसामृत पद गा रहे थे, कोई अपनी योग्यता नहीं बता रहा हूं मैं, क्षमा करना मैं हूं भी नहीं इस लायक, पर पद गाते गाते अंतिम पंक्ति लिखी हमने ठाकुर जी के लिए श्री पंडिना। और ये हर बार ही ऐसा होता है, जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर भी भल भद्रोर सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ, रथ आरूढ़ भये नंद नंदन कहलाए जगत के नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन। द्वारिका में कथा हुई तो वहां के भाव आ गए, वहां का भाव क्या था, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। क्यों रण छोड़ करके गए ठाकुर जी, क्योंकि जरासंध जो था वो ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया था, ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आया। ठाकुर जी ने मन में विचार किया 17 बार तो हरा दिया इसको, लेकिन अब की बार हराया तो ब्राह्मणों का जो अनुष्ठान है वो निष्फल हो जाएगा, ये ब्राह्मणों का वध कर देगा, तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट
द्वारवती पधारे। द्वारिका का शास्त्रीय नाम द्वारावती है। क्या है? गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ वृंदावन प्यारो वृंदा। अब कल पंढरपुर आए तो पंढरपुर आकर के नया भाव आया। क्या? पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ, पुंडलीक की सेवा भाव सो रीझे रुक्मणी नाथ, निज कर दिए कमर पर ठाड़े, निज कर किए कमर पर ठाड़े, कहलाए विठल नाथ वृंदावन प्यारो वृंदा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आपकी भक्ति जिस दिन शब्दों में परिवर्तित हो जाए, जिस दिन गायन में परिवर्तित होता है, जिस दिन भावों में परिवर्तित हो जाए, समझ जाना अब ठाकुर जी मिलने का मन बना चुके हैं आपसे। जना भाई की यही स्थिति हो गई है। पूरे दिन तो नामदेव जी के घर में सब काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खान पान सबकी सेवा करती हैं, और रात्रि में चक्की पीसती हैं, और चक्की की जो घर 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 आवाज आती है, उस घर 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 आवाज को ही ताल बना करके जना भाई पद गाती हैं। पद, अब मुझे जना भाई का कोई पद याद नहीं, मैं पंढरपुर में इसीलिए पीछे रह जाता हूँ, मुझे यहाँ के भाषा का दिक्कत हो जाती है, मराठी भाषा है और कैसे गाऊं, भाव जब तक समझ नहीं आए। दो बालिकाएं हैं, वो इतना सुंदर गाती हैं, रोज ठाकुर जी को आके सुनाती हैं, और मैं उनसे सुनता तो हूं, फिर मैं पूछता हूं इसका अर्थ क्या है, फिर अर्थ सोच करके सोचता हूं अब मैं गाऊंगा, लेकिन वो शब्द मुझे नहीं बैठ पाते बढ़िया से जुबान पे। तो जना भाई पद गा रही थी आज, और महाराज ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जना भाई पद गा रही थी और इतने में ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी आकर के मानो पीछे खंबे से टेक लगा करके और नेत्र बंद करके बड़े भाव से सुन रहे हैं जना भाई के भाव। और केवल इतना ही नहीं, ठाकुर जी ने तुरंत कलम निकाली और पत्र निकाला, लिखने लगे जना भाई के भावों को। बताओ, दुनिया गाती है आप लिखते हो, जना भाई गा रही है, ठाकुर जी लिख रहे हैं उसके पदों को, कितना सुंदर भाव। जना भाई का भाव जैसे पूर्ण होवे, ठाकुर जी कहें और सुनाओ ना, अभी क्यों नहीं गा रही हो, और कुछ गाओ ना, इतना बढ़िया गा रही हो। जना भाई बोली, दो दो काम एक साथ कर रही हूं मैं, ये चक्की भी चला रही हूं, गा भी रही हूं, कैसे होगा इतना, मैं बालिका ही हूं, छोटी हूं अभी। तो ठाकुर जी बोले, तुम गाओ, हम चक्की चलाते हैं, तुम गाओ। और जना भाई का हाथ में हाथ, ऊपर से जना भाई ने पकड़ा, नीचे ठाकुर जी पकड़ करके चक्की चलाते हैं, और जना भाई गाती है, ठाकुर जी उनके मुखमंडल को ही देख रहे हैं। आहा, एक बात कहूं बंधुओं, भक्ति का मतलब क्या है? प्रारंभ हो तो आप ठाकुर जी के पीछे पड़े रहो, लेकिन स्थिति ऐसी आवे एक दिन कि ठाकुर जी आपके पीछे पड़े रहे, ये समझो भक्ति है। आप ही उनके पीछे पड़े हो और वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये भक्ति नहीं है, ये समझो एक तरफा प्रेम है आपका। स्थिति ऐसी हो जाए महाराज कि ठाकुर जी आपके बगैर नहीं रह पाए, ठाकुर जी को आपके बिना राजी नहीं हो, ठाकुर जी को आपके बिना व्याकुलता हो जाए, ठाकुर जी को जब तक आपकी थाली, अब कितने भी भक्तों को देखो, वहां कर्मा भाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है, ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं उनकी खिचड़ी पाने। भक्ति का मूल रूप यही है कि आप ठाकुर जी का भजन करो, लेकिन एक स्थिति ऐसी आवे कि मेरा सुमिरन हरि करे, मेरी स्मृति ठाकुर जी कर रहे हैं, मेरे स्मरण में ठाकुर जी हैं। जना भाई के भाव इतने प्रिय लगने लगे, ठाकुर जी कहें तेरे काम मैं करूं, तू बस गाती रहे। ठाकुर जी चक्की चलाते हैं वहां बैठे बैठे,
एक दिन जनाबाई बोली, ठाकुर जी आप चक्की चलाते हो पर आप इतने आभूषण पहन के रखते हो कि कोई आभूषण आपके कभी टूट जाए, कोई आभूषण आपके चक्की से टकराते रहते हैं, इतनी आवाज होती है, मुझे तो भय लगता है कोई रात में आ ना जाए। ठाकुर जी बोले हम आभूषण उतार देते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने सारे आभूषण उतार करके रख दिए और लिए चक्की पीसने लगे। आज जनाबाई ने ऐसा भाव गाया कि ठाकुर जी उसमें इतने निमग्न हो गए कि इतने में ही मंदिर से घंटे घड़ियालों की आवाज आने लगी, ठाकुर जी के मंगला का समय हो गया।